ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा के प्रवेश द्वार पर बनाए गए गौमाता चौराहे के आसपास कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। इस वजह से रिहायशी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। लोगों ने ऐलान किया है कि अगर इस समस्या को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो वह विधानसभा चुनाव में मतदान से दूरी बनाएंगे। नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा 2.25 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने के साथ पिछले वर्षों में गौमाता चौराहे का विस्तार और सौंदर्यीकरण कराया गया है। चांपा, रायगढ़, जशपुर सहित अनेक मार्गों के लिए छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही यहां से 24 घंटे होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है उन वाहनों से जो राख और कोयला की ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। रोजाना बड़ी मात्रा में यहां पर गिरने वाली डस्ट के कारण चौराहे के आसपास का रिहायशी इलाका समस्याओं से घिर गया है। नागरिकों ने बताया कि प्रदूषण के कारण उनके सामने कई प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। लोगों ने नाराजगी के साथ यह भी कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे इस विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। धूल फूल तक समस्या है, पूरा घर द्वार दिखाऊ नहीं है, खाना पीना तक में चल दे थे, घर में टारा घुस जाते, चक्का जाम तो कितना दिन कर जा रही है, कुछ दिन में सुनबे नहीं करे, मतदान करे जाइया, कैसे प्रत्याशी ल जीत है। झाड़ू लगवाबो कथे, अब तो कुछ नहीं है, 24 घंटा धूल धक्कर खाद पड़े हन भाई। का का बीमारी हो सकत है, सब बीमारी है, एक बीमारी हो तेला बताई, सब बीमारी है, का होना चाहिए भाई, वह बनावा देव वोट नहीं तो नहीं दे। कोरबा चांपा मार्ग पर विकसित गौमाता चौराहे के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही के कारण रिहायशी इलाके के नागरिक वायु प्रदूषण समेत कई समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। इससे पहले कई प्रकार की समस्याओं को लेकर जिले के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा शिकायत की गई और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया गया। कुछ मामलों में प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से बातचीत करने के साथ बीच का रास्ता निकालने का भरोसा दिया। देखना होगा कि गौमाता चौराहा क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या और लोगों की घोषणा के बाद प्रशासन की ओर से अविलंब क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। कोरबा से इमानुएल तांडी की रिपोर्ट।